आज इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेटिट्यूड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको क्या दिया है, ग्लोब का पिक्चर दिया है। ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा ग्लोब, तो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ग्लोब है उसे देखना होगा। What are the horizontal lines on the globe called? कि जो horizontal lines होती है उसे क्या कहा जाता है, parallels of latitude। जो horizontal होते हैं उसे latitude कहा जाता है और जो vertical होते हैं उन्हें longitude कहा जाता है। List the continents and ocean through which the equator passes। कि equators pass होने वाले continents और ocean कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको picture जो दिख रहा है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो हमें answer समझ में आ जाएंगे कि continents कौन से pass होते हैं equator से। अभी देखिए equator कहाँ पे है, तो ये 0 degree वाला होता है equator। तो इस equator से pass होने वाले continents and ocean हमें दिखने, तो कौन से continents आ सकते हैं, देखिए साउथ अमेरिका, अमेरिका आएगा, अफ्रीका, इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स जो है इक्वेटर से पास होने वाले आएंगे। उसके बाद क्या दिया है कि ओशन, ओशन कौन सा आएगा, तो पैसिफिक ओशन आएगा। एनसर्कल द इंटरसेक्शन ऑफ 0 degree मेरिडियन एंड 0 degree पैरेलल ऑन द ग्लोब। कि जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है 0 degree इक्वेटर का एंड मेरिडियन का, तो वो कहाँ पे है वो हम अगर देखेंगे यहाँ पर भी, तो देखिए अगर ये इक्वेटर है और इस तरीके से अगर 0 degree मेरिडियन हमें दिया है, तो उनका इंटरसेक्शन ये जो पॉइंट आएगा वो हमें ग्लोब पे दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिस्ट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। कि इक्वेटर जहाँ से पास होता है वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं एंड ओशन है जो इक्वेटर से पास होते हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है ग्लोब का, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए इक्वेटर कहाँ पे है, ये वाला जो कि 0 degree का दिया है बीच में, तो ये होता है 0 degree का इक्वेटर। तो इसे पास होने वाले कॉन्टिनेंट्स हमें देखने हैं एंड ओशन हमें देखने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो साउथ अमेरिका आएगा, उसके बाद अफ्रीका आएगा, उसके बाद अगर हम ओशन देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन भी क्या करता है, इक्वेटर को पास करता है। तो अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एनसर्कल द इंटरसेक्शन ऑफ 0 degree मेरिडियन एंड 0 degree पैरेलल ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है कि 0 degree इक्वेटर का और मेरिडियन का, जहाँ पे इस तरीके से इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे वो मिलते हैं वो पॉइंट हमें देखना होगा, तो हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट है, विच ओशंस आर स्प्रेड इन ऑल द 4 hemisphere। कौन से ओशन है कि जो 4 hemisphere में फैले हुए है, स्प्रेड है, तो पैसिफिक ओशन आएगा। Which continents are spread in all the 4 hemisphere? ऐसा कौन से continent है जो 4 hemisphere में फैले हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा अमेरिका। अगर हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आगे के साइड से दिख रहे हैं, अगर हम पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो हमें ये 4 hemisphere में दिखाई देगा। At which 2 parallels do all the meridians converge? जो सारे parallels है वो कहाँ पे मिलते हैं या फिर कन्वर्ज होते हैं, तो कौन से प्लेस पे वो मिलते हैं, तो देखिए ग्लोब के ऊपर की साइड मीन्स यहाँ पे और नीचे की साइड बॉटम की साइड, ये जो कि पोल हम जिसे कहते हैं इस डायग्राम में देखेंगे, देखिए ये जो साइड होती है ये जो होगा पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, पैरेलल्स एक दूसरे से मिलते हैं या फिर क्या होते हैं, पैरेलल्स टू ऑल द मेरिडियन कन्वर्ज। नेक्स्ट है, व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस प्लेसेस, रीजन्स, रिवर्स, रोड्स एक्सेट्रा, वी आर एक्चुअली टॉकिंग विथ रेफरेंस टू दी अर्थ। तो अगर किसी प्लेस के बारे में, किसी देश के बारे में आप बोलते हो, किसी नदी के बारे में अगर बात करते हो, तो एक्चुअली हम रेफरेंस किसका देते हैं, अर्थ का, क्योंकि सारे चीज़ें किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, द एक्सटेंट ऑफ ए रीजन एंड द एक्सटेंट ऑफ एनी लीनियर फीचर कैन बी डिस्क्राइब प्रिसाइसली विद द हेल्प ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। जैसे कि हमने पहले लेसन में भी डिस्कस किया था कि ग्रेटिकुल्स पैरेलल्स है या फिर लैटिट्यूड लैंडिट्यूड जो होते हैं उसे हम यूज़ क्यों करते हैं, कि कोई भी रीजन हो, कोई भी प्लेस हो, उसको एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट है, कितना बड़ा है, ये मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, कि प्रिसाइसली हम उसे डिस्क्राइब कर सके कि कहाँ से स्टार्ट होता है उस कंट्री का बाउंड्री, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, ये सारी चीज़ें हमें किससे समझ में आती है, पैरेलल्स एंड मेरिडियन के कारण। लेट अस सी हाउ टू यूज़ द ग्रेटिक्यूल फॉर दिस पर्पस, कि किस तरीके से ग्रेटिक्यूल को हम यूज़ करते हैं। ग्रेटिक्यूल का मीनिंग हमने देखा था कि पैरेलल्स एंड जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उनके कारण जो नेट बनता है, नेट के जैसे हमें दिखाई देता है, उसे ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। तो इस ग्रेटिक्यूल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ ए वर्ल्ड मैप और ए ग्लोब इन दिस स्कूल।
While describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. कि अगर किसी place को हमें describe करना है कि उसका extent कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो place है उसको हम measure करने के time latitude और longitude, एक latitude and longitude को measure करते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, Delhi is located at 28 degree 36 minute and 50 second N, means north hemisphere में है, इसके लिए N लिखा है. एंड लैटिट्यूड आएगा 77 डिग्री 12 मिनट एंड 3 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड. तो देखिए लैटिट्यूड का भी मेजरमेंट, एक टाइम लैटिट्यूड और एक टाइम हम लॉन्जिट्यूड लेते हैं, क्योंकि प्लेस ही उस तरीके से हमें दिया जाता है कि पैरेलल कहाँ पे है, मीन्स उसका वर्टिकल मेजरमेंट एंड जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है दोनों चाहिए. तो उसके लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दोनों का मेजरमेंट लिया जाता है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रीजन वी नीड टू कंसीडर टू पैरेलल्स एंड टू मेरिडियन एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रीजन. अगर हमें किसी रीजन को एक्सटेंड उसको डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं टू पैरेलल्स को और टू मेरिडियंस को, कि कहाँ तक वो रीजन जो है स्प्रेड हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिस्क्राइब एज 10 डिग्री 30 मिनट्स एस टू 43 डिग्री 39 मिनट एस लैटिट्यूड एंड 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड. देखिए दिल्ली मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, हमने एक कंट्री लिया, इंडिया का जो मैप है उसमें अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि इंडिया में दिल्ली दिया है, एक प्लेस दिया है. तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक पैरेलल और एक लॉन्जिट्यूड कहाँ पे मीट हो रही है वहाँ पे, तो वो जगह हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे. लेकिन अगर कोई कंट्री है उसको अगर हमें देखना है कि कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, तो फॉर एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया का दिया है, तो उसका एक्सटेंड हमें मेजर करना है, तो कौन से दो पैरेलल्स के बीच में वो ऑस्ट्रेलिया आता है, या फिर कौन से दो मेरिडियंस के बीच में वो रीजन आता है या फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, वो हमें देखना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे डिस्क्राइब किया है, तो 10 डिग्री टू 30 मिनट एस टू 43 डिग्री 39 मिनट एस, मीन्स साउथ हेमिस्फीयर में है. तो वो लैटिट्यूड वाला भी दिया है कि दो लैटिट्यूड के बीच में आया है, और नीचे हमें दिया है कि लॉन्जिट्यूड, दो लॉन्जिट्यूड के बीच में, तो कौन से है वो भी हमें दिया हुआ है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी कंट्री का इस तरीके से हमें निकालना है कि कहाँ तक स्प्रेड हुआ है पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स में हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं. नेक्स्ट है, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ लीनियर फीचर्स लाइक अ रिवर, रोड एक्सेट्रा, वी नीड टू कंसिडर द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ देयर टर्मिनल पॉइंट्स. तो किसी भी लीनियर फीचर्स को अगर हमें, जैसे कि रिवर होती है, रोड होती है, उसको देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके जो टर्मिनल पॉइंट्स है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के, उनको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर नाइल इन अफ्रीका ओरिजिनेट्स इन लेक विक्टोरिया, फ्लोज नॉर्थ एंड मिड द मेडिटेरेनियस सी नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट. द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया इज, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड में उसका क्या दिया है, लोकेशन कहाँ पे है वो दिया है. लेकिन इसके लिए अगर आपके पास मैप होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं है तो नहीं दिखा सकते. सिमिलरली द लोकेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज 31 डिग्री 12 मिनट एन लैटिट्यूड एंड 29 डिग्री 50 मिनट 07 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड. दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर कंसिडर टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द रिवर नाइल, कि नाइल जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, ये मेजर करने के लिए या फिर उस रीजन को देखने के लिए हमें लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड को देखना होगा. लैटिट्यूड एंड ये हमने देख लिया यहाँ पे कि दिस एक्सटेंट इज फ्रॉम 0 डिग्री 45 मिनट एस लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, मीन्स ओरिजन कहाँ से है और ओरिजन कहाँ से है और कहाँ तक वो जाता है, ये भी दिया हुआ है कि 31 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 29 डिग्री 55 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड अप टू द माउथ, वहाँ तक दिया है. तो अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी. जैसे कि आपको नेक्स्ट दिया है कि ब्राज़ील का यहाँ पे मैप दिया हुआ है और उसके लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिए है, तो ये हम अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स यूज द ग्रैटिक्यूल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.3. जैसे कि ये हमें दिया है मैप ब्राज़ील, इसको हम देखेंगे. विच लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डिफाइन द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया. तो ब्राज़ीलिया जो है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, इसका लोकेशन हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को यूज़ करके बताना है. तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे,
तो देखिए ब्राजीलिया हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो इस जगह पे दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको वो है ब्राजीलिया। तो अगर ब्राजीलिया का हमें लोकेशन देखना है तो कैसे हम चेक करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को, तो लैटिट्यूड कहाँ से देखेंगे, देखिए ये जो पैरेलल्स है ये है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जो दिया है ये 10 डिग्री का है एंड ये 20 डिग्री का है, इसके बीच में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो वो कौन सा लैटिट्यूड आता है 13 डिग्री एस लैटिट्यूड, कि यहाँ से 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 टू 20 है, तो कुछ यहाँ तक आ रहा है, इसके लिए हमने कितना लिया है 13 डिग्री एस लैटिट्यूड। एस क्यों लिया है, क्योंकि ये साउथ हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है 0 डिग्री का इक्वेटर, उसके नीचे का जो पार्ट है वो कौन सा आएगा साउथ, तो इसके लिए हमने एस लिखा, तो 13 डिग्री एस लैटिट्यूड। अब हम देखेंगे कि लॉन्जिट्यूड कौन सा आता है, तो देखिए ब्राजीलिया यहाँ पे है, लॉन्जिट्यूड मीन्स कौन सी वर्टिकल जो लाइन होती है वो, तो वर्टिकल कौन सी है ये हमें दी है, तो ये है 50 एंड ये है 40, तो 40 टू 50 जो लॉन्जिट्यूड है इसके बीच में आ रहा है ब्राजीलिया, कहाँ पे आ रहा है, तो अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मीन्स 50 से पहले, तो कितना आएगा वो 48 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड, वेस्ट साइड में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें 40 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट में आएगा और कितना है 48 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड। तो देखिए ब्राजीलिया का जो लैटिट्यूड है वो आएगा 13 डिग्री एस लैटिट्यूड एंड 40 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील दैट स्प्रेड फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का हमें दिया हुआ है, सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हमें ब्राज़ील का निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री वेस्ट तक जो आगे का होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कहाँ तक आ रहा है ये हमें देखना है, कि 40 डिग्री से पहले आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो वो कितना आएगा, तो कुछ 34 डिग्री 47 वेस्ट आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ का देखेंगे तो ये कितना आएगा, ये 50 है, 60 70 और 70 से आगे जा रहा है, तो कितना आएगा ये 73 डिग्री 59 मिनट वेस्ट तक ये आने वाला है। तो इस तरीके से हम ब्राज़ील का एक्सटेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया का और दिल्ली का दिया है, तो आप इस तरीके से अगर मैप में देखोगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए आपको क्या करना होगा, लॉन्जिट्यूडनल के लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्टिकल लाइन्स हमें दिख रही है उनको मेजर करेंगे, और लैटिट्यूड अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन्स है उनको आपको एक्सटेंड देखना होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 30 डिग्री दिया है, तो कुछ उसके आगे आ रहा है, तो जैसे कि 32 33 तक आ सकता है अगर लैटिट्यूड पूछा जाएगा तो। तो इस तरीके से आप मैप में देख कर भी समझ जाओगे कि किस तरीके से एक्सटेंड निकालना है। इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राज़ील एक्सटेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ब्राज़ील का जो है नॉर्थन कौन से हेमिस्फीयर में आता है वो हमें देखना है कि एक्सटेंड कहाँ तक आ रहा है। तो ब्राज़ील एक्सटेंड इन नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी हमें दिखेगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी दिखाई देगा, क्योंकि इक्वेटर देखिए बीच में से जा रहा है, तो इसके लिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी एक्सटेंड दिखेगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी हमें एक्सटेंड दिखेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, विच पैरेलल्स एंड मेरिडियंस शुड बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ रिवर साओ फ्रांसिस्को। तो देखिए मैप में अगर आप देखोगे रिवर साओ फ्रांसिस्को के लिए, तो वो एक्सटेंड आएगा कुछ 40 डिग्री 04 मिनट वेस्ट टू 20 डिग्री 02 मिनट सेकेंड एंड टर्मिनल पॉइंट आएगा इसका 37 डिग्री वेस्ट टू 10 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये सैन फ्रांसिस्को, तो इसका जो आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप मैप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मराजो आइलैंड यूजिंग द ग्रेटिक्यूल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मराजो आइलैंड दिया हुआ है उसको देखना है, तो कहाँ पे आ रहा है मराजो आइलैंड, कुछ यहाँ पे। तो किसी कंट्री का अगर कोई प्लेस देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक पैरेलल मीन्स एक लैटिट्यूड एंड एक लॉन्जिट्यूड को हम देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा ये यहाँ पे, तो उसका एक्सटेंड हम किस तरीके से लिखेंगे, द लोकेशन ऑफ मराजो आइलैंड इज 0.4 डिग्री एंड 51 डिग्री वेस्ट आएगा, तो ये इक्वेटर के यहाँ पर ही आ रहा है, तो इसके लिए दिया है 0.4 डिग्री, और वेस्ट अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 51, क्योंकि ये 50 दिया है उसके थोड़ा सा आगे, तो 51 तक आ जाएगा, तो 51 डिग्री वेस्ट आएगा, तो कुछ इस तरीके से वो आएगा मराजो आइलैंड का लोकेशन जो है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अगेन आपको एक डायग्राम दिया है, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस कौन से हैं और उनको क्या नाम दिए गए हैं वो हम देखेंगे।
तो देखिए पहले रीड करते हैं, लेट अस गेट एक्वेंटेड विद सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो कौन से इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ऑल प्लेसेस बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 days इन अ ईयर। अदर एरियाज ऑफ द अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रेज। द पैरेलल्स एट 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये कहाँ पे है अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपको दिखेंगे यहाँ पे पैरेलल्स, तो कुछ इस तरीके से दिए हैं। तो जो सन रेज होती है वो इस एरिया में से परपेंडिकुलर पड़ती है। परपेंडिकुलर मीन्स इस तरीके से, अगर यहाँ पे सन है तो इसकी जो सन रेज होगी वो सिर्फ इसी रीजन में क्या होगी, परपेंडिकुलर पड़ती है। तो इसके पीछे भी क्या रीज़न होगा, क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसका शेप किस तरीके से है, स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल शेप होने के कारण क्या होता है कि जो सन रेज है वो सिर्फ इसी रीजन में क्या होती है, परपेंडिकुलर पड़ पाती है। बाकी की जगह पे कैसे हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से कि वहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ती है। तो ये जो रीजन है उसको कहा जाता है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड अगर हम साउथ में देखेंगे तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और उनके हमें जो लोकेशन है वो भी हमें दिए है किस तरीके से, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ जो है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट डे द पैरेलल्स एट 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। और क्यों इम्पोर्टेंट है, इन द एरिया बिटवीन दिस टू पैरेलल्स थ्रू आउट द ईयर डे टाइम लास्ट विदिन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स, दीज आर कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल रिस्पेक्टिवली। तो ये पोल की तरफ जो सर्कल्स बनेंगे वो हमें दिए हैं कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे। तो इनका भी हमें दिया है कि 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे साउथ की तरफ तो वहाँ पे है अंटार्कटिक सर्कल, कुछ इस तरीके से दिया है। तो ये जो नाम आपको दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स डे टाइम मीन्स सन बीइंग विजिबल इन द स्काई। डे टाइम मीन्स सन जितने देर तक हमें स्काई में दिखाई देगा। कैन बी ग्रेटर दैन 24 आवर्स इन द एरियाज बिटवीन द पोलर सर्कल एंड द पोल्स। पोल्स रीजन में और पोलर सर्कल्स में अगर हम देखेंगे तो दिन जो है 24 आवर्स से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सन्स अपेरेंस इन द स्काई कैन बी ऑफ 6 months एट द पोल्स बेस्ड ऑन दी सीजन्स। अगर सीजन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि स्काई में सन जितने देर तक रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पोलर रीजन में जो है 6 month के दिन होते हैं और 6 month की रात होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन कंटिन्यूस टू मूव इन अ स्पायरल ऑन दी हॉरिजन। तो इस तरीके से जो है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पोल रीजन में जो है वहाँ पे 6 month तक दिन और 6 month तक रात होती है। वी हैव सीन इन स्टैंडर्ड फिप दैट द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड। और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अर्थ का एक्सिस जो है इंक्लाइन है। दिस इंपॉर्टेंट पैरेलल्स अराइज बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लाइनेशन बाय 23 डिग्री 30 मिनट्स ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म ऑन दी अर्थ, दिस जोन्स गिव राइज टू प्रेशर बेल्ट्स। और इसके कारण जो है प्रेशर बेल्ट्स भी फॉर्म होते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जोन्स जो है वो अलग है। जैसे कि हमने पहले देखा कि परपेंडिकुलर लाइट जो है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ पर ही दिखाई देता है। उसके पहले हम इसको रीड करेंगे। वेटिकन सिटी इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 0.44 square kilometers। दिस कंट्री इज लोकेटेड विद इन इटली ऑन द इटालियन पेनिनसुला। सी द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिस कंट्री इन फिगर 2.5। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये मैप इस सिटी का। From west to east and also from north to south there is no difference in the degree or minute of latitude or longitude, but the difference is only in seconds. From this you will get an idea about the use of the smaller unit of minutes and seconds in angular measurement. कि angular measurement जो होता है वो भी काफ़ी important होता है जब इस तरीके का extent जो है measure किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिया है कि 41 degree 54 minute and 0 second north दिया है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 41 डिग्री 54 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ दिया है। तो देखिए सिर्फ 30 सेकेंड और यहाँ पे 0 सेकेंड, सिर्फ सेकेंड्स का क्या है यहाँ पे डिफरेंसेस हमें दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 12 डिग्री 21 मिनट 30 सेकेंड ईस्ट और यहाँ पे दिया है
ये इस तरीके से आएगा, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड दिया है, और यहाँ पे जो पिंक कलर की लाइन है ये भी लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो है 12 degree 21 minute 0 second। तो सिर्फ 30 seconds का क्या हुआ है डिफरेंसेस, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो सेम भी दे सकते थे, लेकिन सेम दिया है क्या? नहीं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है कि सेकेंड सेकेंड जो होते हैं उसको भी काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, कि स्मॉलर यूनिट्स को भी यहाँ पे देखते हुए जो है एक्सटेंड जो दिया जाता है किसी भी प्लेस का, वो इस तरीके से दिया जाता है। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो जो वेरिएशन होता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट का, कि हर जगह पे परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, लाइट नहीं होती है, और सनलाइट जो है कम ज़्यादा होती है, उसके कारण टेम्परेचर भी क्या होता है अलग होता है, जिसके कारण हमें वैरायटी दिखती है प्लांट एंड एनिमल्स के लाइफ में। द 0 degree लॉन्जिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियम। द मेन पर्पज ऑफ दिस इज टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कि जो 0 degree मेरिडियन होती है उसे क्या माना जाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, हर जगह पे टाइम जो है सेम किस तरीके से हम मेजर करेंगे, तो उसके लिए जो है प्राइम मेरिडियन को देखा जाता है। दिस मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। और इसी मेरिडियन को 0 degree जो प्राइम मेरिडियन जो होती है उसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज नोन एज GMT, मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है। द 180 degree मेरिडियन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अदर मेरिडियंस आर मार्क ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180 degree। की 0 degree का जो है प्राइम मेरिडियन होता है, उसके बाद जो मार्किंग किया जाता है उसे दो पार्ट में किया जाता है, कि अगर ईस्ट में है, ईस्ट पार्ट में है तो उसके आगे ई लिखा जाता है, वेस्ट में है तो डब्ल्यू, मीन्स दो पार्ट किए जाते हैं। मेरिडियन लाइज, द 180 degree मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन होता है 0 degree का, उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है 180 degree। ये हमने फर्स्ट लेसन में भी देखा है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क विथ रेफरेंस टू दिस मेरिडियन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो उसे देखने के लिए इस मेरिडियन को देखा गया है। द इक्वेटर एज वेल एज ऑल पेयर ऑफ अपोजिट मेरिडियंस फ्रॉम ग्रेट सर्कल। कि देखिए, अगर 0 meridian है उसके एग्जैक्टली अपोजिट 180 degree होगी, तो उससे क्या होता है, एक बड़ा सर्कल बनता है। ग्रेट सर्कल्स आर यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। अगर दो प्लेसेस के बीच में जो जगह होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए इनको सर्कल्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, देखा जाता है। प्लेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर अर्थ के सर्फेस के ऊपर कोई भी ऐसे प्लेसेस है उनका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए ग्रेट सर्कल्स जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है।